हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी हैप्पी किचन। आप देख सकते हैं कितना लजीज बना हुआ है बादाम शेक और गाढ़ा भी कितना अच्छा है। तो आप इसको घर पे भी बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए बादाम ले ले और उसको रात पर भिगो ले, उसके बाद इसका छिलका निकाल दे। तो मैंने 8 से 10 बादाम लिया है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सी जार ले लीजिए और उसमें थोड़ा दूध डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो दूध डालने से अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और एकदम ज़्यादा मही नहीं करना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से ग्राइंड हो चुका है। उसके बाद हम दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो एक पतीला ले लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें दूध हम रख डाल देंगे। तो 1 केजी ले या 1.5 केजी ले दूध ले ले और उसमें दूध को बॉईल होने तक इसको पकाएं। और उसके बाद इसको थोड़ा थिक करना रहता है दूध को, तो अच्छे से इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम तब तक कस्टर्ड पाउडर घोल लेते हैं। तो हम कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच लेंगे। तो हमको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो इतना करना है कि अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई बबल्स नहीं रहना चाहिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दूध में डालेंगे। तो दूध इसको अच्छे से मिक्स करें चलाते हुए। तो मिक्स करने के बाद ये देखते हैं दूध बॉईल हो चुका है। तो देखिए दूध इतना बॉईल हो चुका है। तो थोड़ा सा दूध को और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए दूध बॉईल हो चुका है, तो इसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये घर पे ही बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। तो हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी हम इसमें 1 कटोरी डालेंगे। ज़्यादा चीनी नहीं डाला जाता है, ये कम टेस्ट में मीठा होता है। उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर हमने 2 लिया है इलायची, हरी वाली इलायची, इसको कूट कर इसमें डाल दिया है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएं और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो आप मार्केट से लेने जाते हैं तो उससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे केसर के धागे 3 से 4 डाले हैं। तो आपके पास केसर का धागा ना हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो केसर से थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो आपके पास ना हो तो आप फूड कलर भी कलर के लिए डाल सकते हैं। अगर आप घर में बना रहे हो तो बिना फूड कलर का भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पीसे हुए बादाम डाल देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा और पकाएंगे, तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए बादाम का, इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए, तब तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, घर पे आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए ये थोड़ा बॉईल हो चुका है। उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर को एक बार में पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद मिक्स करते जाएँ, नहीं तो ये बबल्स बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते हुए इसमें डालेंगे। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसको हम ऐसे देखिए, इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ा ठंडाने के लिए। तो ये रेडी है। तो जब तक थोड़ा ठंडा हो जाए, तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है बादाम शेक। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा ये गाढ़ा भी हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना अमेजिंग आया है। तो इसको हम एक गिलास में सर्व करेंगे। तो ये शेक वाला गिलास है, इसी में हम सर्व करेंगे। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं सर्व करने के लिए, भी गिलास लेकर उसमें सर्व कर ले। उसके बाद इसमें हम बादाम से इसको ऊपर से बादाम डालेंगे या काजू डालेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको बनाकर और ठंडा ठंडा पिए तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप भी बनाइए और पीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लाइक को दबाना ना भूलें। मेरा न्यू वीडियो आप तक जाते रहे। तो देखिए कितना यम्मी बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको घर पर।